नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा से किसान नेता अपने हाथ जला बैठे, लेकिन एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च का अल्टीमेटम दे दिया गया और अब की बार सीधे संसद तक ट्रैक्टर मार्च की बात की गई है, वो भी 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ। किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद तक ट्रैक्टर मार्च की बात राजस्थान की सीकर की एक किसान पंचायत में कही। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सरकार को तेवर दिखाना है या वाकई किसान नेता एक नए ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए किसान नेता जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा भी किसान पंचायतों में शामिल हुई है, लेकिन क्या किसान आंदोलन के लिए टकराव जरूरी है? क्या किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए सरकार को अल्टीमेटम देना मजबूरी है? आज का दंगल इसी सवाल पर कि लाल किले से भटके तो अब संसद पर अटके। पहले रिपोर्ट देखिए, टिकैत का बयान सुनिए, फिर बताते हैं आपको हमारे साथ कौन कौन से मेहमान। हम की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। हम की बार हर क्रांति होगी, हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च से अभी दिल भरा नहीं, बात संसद तक चढ़ाई की हो रही। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। 26 जनवरी से पहले भी दावा था कि किसान ट्रैक्टर मार्च नहीं करेगा तो क्या करेगा, अब की बार भी दावा ऐसा ही है। लगातार पंचायत आप कर रहे हो अलग अलग राज्यों में जाकर और चुनौती दे रहे हो सरकार को कि ट्रैक्टर ले जाएंगे। अगर ट्रैक्टर ले जाना कोई चुनौती है? ट्रैक्टर अपने खेत में नहीं लेके जाते, ट्रैक्टर ले जाना कोई गलत चीज है? 26 जनवरी को जब दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर से उत्पात हुआ था तो राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं ने कहा था, हमने कब कोई भड़काऊ बात, लेकिन रिकॉर्ड में रहे, इसीलिए टिकैत का ये बयान भी सुन लीजिए। तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झोपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की, तुड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकार उनको एक बार कर ले, ये कानून वापसी दे दे, या उनकी गौशालाएं बनेगी। आंदोलन का हक सबको है, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा से हाथ जला लेने के बावजूद ये तेवर, टकराव की ये भाषा, क्या किसान आंदोलन को ऑक्सीजन दे पाएगी? उधर किसान सभा के नाम पर 26 जनवरी की हिंसा का आरोपी लखा सिंह सिधाना ने पंजाब के बठिंडा में मानो सिस्टम को सीधी चुनौती दी। बठिंडा के महराज रैली में 2 दर्जन से अधिक पुलिस वालों की नाक के नीचे उसने रैली की। रैली में सिधाना को गिरफ्तार करने की चुनौती दी गई। सिधाना ने अब ये वीडियो पोस्ट कर कहा है कि किसान नेता जहां कहेंगे वहां आंदोलन करेंगे। किसानों के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन बार बार के संग्राम में तब्दील हुआ है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो बातचीत से कभी पीछे नहीं हटी है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्राण पण से जुटी हुई है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। किसानों के मसले को जल्द से जल्द सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर टिके। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।